हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चटपटी आलू टमाटर और प्याज की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगने वाली है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज टमाटर और हरी मिर्च ली है जिनको बारीक कट कर लिया है। इसके साथ 3 से 4 आलू लिए हैं जिनको छोटे पीसेस में कट किया है। एक कुकर में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम कर दिया है, उसमें कटी हुई प्याज हमने डाल दी है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इन दोनों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, साथ में टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे जब हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी। फिर इनको आधा मिनट तक हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालना, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ऑयल रिलीज होने तक हम इन मसालों को फ्राई करेंगे। फिर अब हम इसमें कटे हुए आलू के पीसेस डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें। यहाँ पर हम मिक्स करके नमक टेस्ट कर लेंगे, कम होगा तो थोड़ा और डाल देंगे। फिर कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को बंद करके इसको मीडियम आंच पर 2 से 3 सीटी लगा लेना, फिर प्रेशर रिलीज होने पर कुकर को खोलना। यहाँ पर आपकी सब्ज़ी पूरी तरह रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।